ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 लगभग नियंत्रित स्थिति में है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया जा रहा है जो अब तक लागू थे। ये प्रतिबंध कोविड महामारी के समय लगाए गए थे। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन भी किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में कोविड महामारी पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण है। आज 5 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केसों की भी संख्या घटके 78 हो गई है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कोविड संकट पर नियंत्रण होने के कारण कोविड-19 महामारी के समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो सभी प्रतिबंध आज से ही हमने हटाने का फैसला किया है। अब समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन पूरी क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लगने वाले मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह अब जितनी संख्या की मर्जी हो उतनी संख्या में संपन्न किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी पूरी क्षमता से लोग अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने सम्मिलित हो सकेंगे। नाइट कर्फ्यू भी आज रात से ही समाप्त किया जा रहा है। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब इत्यादि 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, चलाए जा सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता से अब संचालित की जा सकेंगी। लेकिन इतना जरूर है, सभी तरह की गतिविधि हम प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब कोविड पर नियंत्रण करने का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को, उस व्यवहार को करना होगा। मतलब सभी को मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही चाहिए। मेलों में दुकानदार तभी मेले में अपनी दुकान लगा सकेंगे जब वैक्सीन की दोनों डोज उनको लगी हो। न केवल मेलों में बल्कि शहरों में भी जो दुकानें, गांव में भी जो दुकानें हैं, दुकानदार को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाने अनिवार्य होंगे। हॉस्टल में 18 वर्ष से ऊपर के छात्र छात्राएं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है, तभी वो रह सकेंगे। सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज तथा दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो, ये आवश्यक होगा। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से अपील है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कि हमको सावधान लगातार रहना है। जब भी कोविड के टेस्ट के लिए सास की टीम आए, आप सैंपल जरूर दे दें ताकि बीमारी अगर ज्यादा लोगों को हो रही हो, संक्रमण फैल रहा हो,
तो तत्काल पता लगाया जा सके। और सभी बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, फर्स्ट डोज तो हमारा 91% के ऊपर लग गया, लेकिन सेकेंड डोज अभी 47% लगा है। बहुत लोगों के डोजेज ड्यू हो चुके हैं, इसलिए सब सेकेंड डोज जरूर लगवाए। ये कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं और सभी शासकीय सेवकों को दोनों डोज लगाए जाना अनिवार्य होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, इसका ध्यान रखते हुए ये सारे प्रतिबंध हटाए गए। चल समारोह अब निकल सकेंगे और विवाह में भागीदारी बिना संख्या की सीमा के हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि काफी लंबी अवधि प्रतिबंधों के साथ बिताई जा चुकी है, समग्र स्थितियों पर विचार विमर्श के पश्चात प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।